दोस्तों पेट की सारी जांचें नॉर्मल है, उसके बावजूद पेट के अंदर शिकायत रह रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। बहुत सारे लोग जब मुझसे मिलते हैं वो मुझे बताते हैं, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारे पेट की सारी जांच नॉर्मल है बट फिर भी पेट के अंदर दिक्कत है, तो इसका समाधान किस तरह से होगा, इसको हम किस तरह से ठीक करें। पहले तो हमें ये समझ में आए कि ये जो गैस है या जो ये पेट की शिकायत हो रही है वो क्यों हो रही है। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो साइंटिफिक जो सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया बीकानेर राजस्थान से। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा कि जो पेट की शिकायत है, ये जो पेट की समस्या है, इस समस्या के दो कारण हो सकते हैं। समस्या तो पेट में हो रही है लेकिन इस समस्या के पीछे का कारण दो चीजें होती है, एक तो होती है बीमारी और दूसरा होता है बीमारी का कारण। जैसे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो ये दर्द होने का कारण, दर्द तो क्या है आपका सिम्टम हो गया, मान लीजिए कि ये आपका दर्द क्या हो गया, आपकी बीमारी हो गई, लेकिन दर्द के पीछे का कारण क्या है, कारण क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे दर्द के पीछे का कारण क्या हो सकता है, हो सकता है हड्डी टूट गई हो सकता है मसल्स के अंदर कोई फाइबर खिंच गया हो सकता है नर्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है चमड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो ये जो कारण है, इस कारण को जब तक हम अच्छे से नहीं समझ पाते, कारण को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब तक हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा कि समस्या तो कहाँ हो रही है, पेट के अंदर हो रही है, लेकिन ये जो पेट के अंदर जो समस्या हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। दोस्तों जो पेट के अंदर समस्या होती है उसके अंदर दो तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो कारण जो हमारे शरीर से जुड़ा है, शरीर का कारण का मतलब क्या है कि जो कारण है वो हमारे पेट में ही है, मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारी आहार नाल है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। आहार नाल के अंदर कोई स्वेलिंग हो गई है, आहार नाल के अंदर कोई अल्सर बन गया है, जो हमारा पेट है, खाने की नली है, उसके अंदर कोई अल्सर बन गया है, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ये वाला कोई कॉज जिसके कारण आपको क्या हो रही है, पेट के अंदर समस्या हो रही है, मतलब आपके अंदर पेट के अंदर आपके गैस बन रहा है, पेट आपका फुला फुला सा रह रहा है, आपके सीने में जलन सी लग रही है, उल्टी जैसा महसूस होता रहता है, उबाक जैसा आपको आता रहता है, खाना आपका प्रॉपर पच नहीं पा रहा, आपको भूख अच्छे से नहीं लग पा रही, ये जो शिकायतें हैं ये शिकायतें कौन सी, हमारे पेट की शिकायत है। तो इसका एक कारण तो क्या हो सकता है, हमारे पेट के अंदर ही हो सकता है। तो पेट के अंदर कारण जो होते हैं उनमें से मैंने आपको बताया कि पेट के अंदर क्या हो गया, अल्सर हो गया, पेट के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे कारण हैं। अच्छा, ये पता करने का तरीका क्या है, कोई भी जो कारण है उसको पता करने का तरीका क्या है, उसको पता करने का तरीका जो है वो कौन सा है हमारे पास में, इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम जांच। जो भी हम जांच करते हैं, ये जो जांच है, ये जांच बेसिकली हमें क्या बताती है, जांच हमें बताती है कोई भी जो तकलीफ हो रही है, कोई भी जो समस्या हो रही है, उस समस्या के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जब तक आप कारण को सही तरीके से नहीं समझोगे, कारण को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप उस समस्या से बाहर भी नहीं निकल पाते। तो यहां पर जो ये पेट की समस्या हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है, इस कारण को पता करने के लिए, इस कारण को सही तरीके से समझने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच की जाती है। तो पेट की जो समस्या हो रही है, जो गैस बन रही है, जो एसिडिटी हो रही है, जो जलन हो रही है, जो पेट के अंदर जो खाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए कौन कौन से जांच किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। जैसे हमारी जो USG है, सोनोग्राफी है, ये की जाती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पेट के अंदर तकलीफ है। इसके लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। एंडोस्कोपी क्या होता है, इसके अंदर हमारे मुंह से एक कैमरा डाला जाता है और हमारे पेट की पूरी नली को देखा जाता है कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा कोलोनोस्कोपी किया जाता है। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि गुदा से एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और चेक किया जाता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटेस्टाइन के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा जो CT एब्डोमन भी होता है, CT स्कैन भी होता है हमारे एब्डोमन का, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेट के अंदर कोई और शिकायत तो नहीं है। इसके अलावा जो लीवर के टेस्ट भी होते हैं, LFT वगैरह है, ये भी किए जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेट के अंदर कोई शिकायत तो नहीं है। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं वो मुझे बताते हैं कि सर हमने पेट से GDV बहुत सारी जाँचें करवा ली, एक जगह नहीं सर बहुत जगह करवा ली, बहुत बार करवा ली,
हमने सर यूएसजी करवा लिया, बार बार हम यूएसजी करवा लिया, हमने एंडोस्कोपी करवा लिया, कोलोनोस्कोपी करवा लिया, हमने सीटी एब्डोमेन भी करवा लिया, एलएफटी करवा लिया, सब कुछ सर नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल आता है, बट फिर भी हमारे पेट के अंदर शिकायत रहती है। मतलब हमारे पेट के अंदर गैस रहती है, पेट के अंदर मरोड़े से आते रहते हैं, कभी उल्टी जैसा फील होता रहता है, कभी दस्त जैसा लगता रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी पेट के अंदर जलन सी महसूस होती रहती है। ये शिकायतें हमें रहती रहती है, कभी भूख नहीं लगती, कभी खाना प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता, डकार आती रहती है, लेकिन सर जांचें हमारी सारी की सारी क्या है, नॉर्मल है। अगर इन्वेस्टिगेशन हमारे सारे के सारे नॉर्मल है, अगर इन्वेस्टिगेशंस में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है, इसका मतलब जो पेट के अंदर जितनी ये शिकायतें हो रही है, इन शिकायतों का कारण क्या है, आपका इंटेस्टाइन है, आपका पेट है, मतलब जो आपकी आहार नाल है। अगर जांचें पूरी तरह से नॉर्मल है, जो कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर जांचें सारी नॉर्मल है, जांचों में कुछ नहीं आता, जब जांचों में कुछ नहीं आता, इसका मतलब जो पेट की समस्या का जो कारण है, वो कारण पेट नहीं है, कोई दूसरा कारण है, किसी दूसरे कारण के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी दूसरे कारण के ऊपर नहीं सोच पाते, तो फिर हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो दूसरा कारण क्या है, जब हमारे टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, जब हमारी जांचें सारी नॉर्मल आती है, इसका मतलब हमारा जो पेट है, इसके अंदर जितनी भी ये समस्या हो रही है, ये किसके कारण हो रही है, हमारे मन के कारण हो रही है, हमारे माइंड के कारण हो रही है, हमारे दिमाग के कारण हो रही है। जो हमारा माइंड है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल है, अगर आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, उसके बावजूद अगर आपके पेट में कोई भी दिक्कत हो रही है, पेट के अंदर शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब ये शिकायत किसकी वजह से हो रही है, हमारे मन के कारण हो रही है, हमारे माइंड के कारण हो रही है, हमारे दिमाग की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर शिकायत तो पेट में हो रही है, तो दिमाग और हमारा पेट आपस में कनेक्टेड होता है क्या? दोस्तों, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी सेल्स है, हर एक चीज है वो किससे कनेक्टेड, आपके दिमाग से कनेक्टेड है, आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जो ब्रेन है ना, ये हमारे घर का मीटर है, ब्रेन जो है, हमारा जो माइंड है, ये हमारे घर का मीटर है, बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो हमारे घर में बल्ब की तरह है। अब मान लीजिए कि घर के अंदर कोई अगर बल्ब नहीं जल रहा, एक बार आपने बल्ब आपने चेंज करवा लिया, दूसरी बार चेंज करवा लिया, आपने 10 बार बल्ब चेंज करवा लिया, लेकिन अभी भी बल्ब अगर नहीं जल रहा, तो इसका मतलब हो सकता है वायरिंग में प्रॉब्लम हो, हो सकता है मीटर में प्रॉब्लम हो, पीछे से कनेक्शन है उसमें करंट ही नहीं आ रहा हो, ये भी तो कारण हो सकते हैं। तो हमारे पेट के अंदर, मतलब पेट को मान लीजिए कि बल्ब, अगर ये बल्ब यहाँ पर जल नहीं रहा, अगर ये बल्ब यहाँ पर रोशनी नहीं दे रहा, मतलब बल्ब फ्यूज हो रहा है, तो हमने दूसरा बल्ब चेंज किया, मतलब हमने दूसरी जांच करवाई, हमने तीसरी जांच करवाई, हमने बार बार जांचें करवाई, अच्छा हर बार जांच करवाने के बाद भी वो पेट वैसा का वैसे पड़ा है, मतलब बल्ब अभी भी नहीं जल रहा, इसका मतलब शिकायत बल्ब में नहीं है, बल्ब आपका एकदम बढ़िया है, लेकिन जो बल्ब जल नहीं रहा उसका कारण बल्ब फ्यूज होना नहीं है, उसका कारण क्या है, पीछे से हो सकता है करंट ही ना आ रहा हो। तो आपके जो पेट के अंदर जो ये शिकायत हो रही है, जितनी भी आपको एसिडिटी हो रही है, पेट के अंदर गैस बन रहा है, तो अगर आपकी जांचें नॉर्मल है, आपके टेस्ट नॉर्मल है, मतलब आपकी जांचों के पूरी फाइल बन गई है। बहुत सारे लोग बताते हैं सर ये देखो इतने सारा जत्थर बन गया है, इतना सारा मतलब फाइल का रिकॉर्ड बन गया है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये विरासत है, अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाना, मतलब उनको बताना कि देखो मैंने इतने सारे टेस्ट करवाए। ये जो अगर आपके टेस्ट की फाइलें अगर बढ़ रही है, जांचों की रिपोर्ट अगर बढ़ रही है, बार बार आपके मन में आ रहा है कि कोई ऐसी जांच करवा लूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे पेट के अंदर प्रॉब्लम क्यों है, और बार बार आप जांच करवाते रहते हो। अच्छा, हम अगर बार बार जांच करवाते रहते हैं, कंटिन्यूसली जांच करवाते रहते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ये जो पेट वाला जो पार्ट है कि नहीं दिक्कत पेट में ही है, दिक्कत पेट में ही, यहाँ से हमारा फोकस हट ही नहीं पाता, और जब हमारा फोकस हटता नहीं है तो हम ट्रीटमेंट के अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होती है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होती है, अगर हम हमारे पेट का पूरी तरह से निवारण चाहते हैं, पेट की शिकायत का पूरी तरह से सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर मेरी जांचें सारी नॉर्मल है, अगर मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल है, एक बार नहीं कई बार करवा चुका हूँ, अगर टेस्ट सारे नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो शिकायत जितनी भी हो रही है, आपकी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ये सारा का सारा किसके कारण हो रहा है, आपके माइंड के कारण हो रहा है, आपके दिमाग के कारण हो रहा है, आपके मन के कारण हो रहा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हो रहा है, मतलब किसके कारण हो रहा है, हमारी एंजाइटी के कारण हो रहा है, जो भी अनइजीनेस क्रिएट हो रही है, जो भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उसके कारण ये सारी की सारी शिकायत हो रही है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिएगा कि हमारा जो माइंड है
वो किससे कनेक्टेड है, हमारे पेट से कनेक्टेड। आप इस चीज़ को थोड़ा सा और समझिए, जब आपको नींद बहुत बेहतर तरीके से नहीं आती, या जब भी स्ट्रेस बना होता है, या जब भी आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे होते हो, काम का बहुत ज़्यादा लोड बना होता है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ नज़र आता है, आपके पेट के ऊपर नज़र आता है। तो आपका जो पेट और आपका जो माइंड है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड, आपका दिमाग आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है इसके कारण हमारे पेट के अंदर दिक्कत हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलती है। हमें इन नेगेटिव थॉट्स को करेक्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक रियल केस बताता हूँ। एक व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। अच्छा, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, ये एक एग्जाम देने जा रहे थे, ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, तब तक एकदम नॉर्मल थे। जब ये एग्जाम देने जा रहे थे तब इनके दिमाग में ये थॉट आया कि यार मैं अगर रात को ढंग से सो नहीं पाया तो मैं सुबह एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, एक नेगेटिव थॉट। अच्छा, अगर गलती से मैं अगर ऑन टाइम नहीं पहुंच पाया तब मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा पूरा करियर तबाह हो जाएगा। ये जो थॉट है, ये थॉट इनके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की हमारे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चलती रहती है। वो हमारे करियर को रिलेटेड हो सकती है, वो हमारी पर्सनल लाइफ को रिलेटेड हो सकती है, वो हमारी फैमिली को लेकर रिलेटेड हो सकती है, हमारे बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है। मतलब हमारी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारे दिमाग के अंदर थॉट्स रुकने लग जाते हैं, थॉट्स हमारे दिमाग से नहीं निकल पा रहे होते। जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तब हमारे दिमाग के अंदर क्या क्रिएट होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट होता है, और उसके कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और उसका इंपैक्ट हमें किस पे नजर आता है, हमारे पेट के ऊपर इंपैक्ट नजर आता है, पेट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। प्रॉब्लम पेट में हो रही है, लेकिन उसका कारण, उसका जो रूट है, वो रूट कौन सा है, हमारा मन, हमारा माइंड है। इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा कि हमारे दिमाग में जो ये ओवर थिंकिंग चलती रहती है, जो नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, जो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बन गए, उसके कारण ये सारी की सारी शिकायत हो रही है। तो अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें हमारे माइंड को रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। जो हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट रुक जाते हैं उन थॉट्स को निकालना सीखना पड़ेगा कि ये किस तरह से निकलते हैं, इनके निकालने की टेक्निक क्या। सर मैं तो ऐसे ही रोक रोक के निकाल देता हूँ। नहीं, ये तो आप जितना उसके ऊपर रिएक्ट करते हो वो थॉट और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो उसको निकालने की एक प्रॉपर टेक्निक है जिसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए उन पैटर्न्स को हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अच्छा, अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़े टाइम सपोर्ट के तौर पर हम एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो योगा है, मेडिटेशन है, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से काम करता है, वर्क करता है, ये भी हमारे स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन अगर हम परमानेंटली इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, हम परमानेंटली इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें हमारे माइंड को रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा। जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको सही करना पड़ेगा। उसके लिए हमें हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है उन पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा। और पैटर्न्स को करेक्ट करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलती है, जिसके हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम अप टू 6-8 months, 10 months जब हम CBT की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं वो पूरी तरह से करेक्ट हो जाते हैं, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल है, अगर आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, बट स्टिल आपके पेट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसके कारण हो रही है, हमारे मन की वजह से, हमारे माइंड की वजह से, हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हो रही है। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, अपने अंदर दिमाग के अंदर इस चीज़ को बहुत अच्छे से उतारिएगा, क्योंकि जब तक आप कारण पे नहीं पहुंच पाओगे तब तक आप सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। जब तक हम कारण पे नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही हम कारण पे जाते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर, एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं उनको पूरी तरह से हटा सकते हैं। अपने दिमाग के अंदर जो ये ओवर थिंकिंग चलती है, जो थॉट आपके दिमाग में रुक जाते हैं, इन थॉट्स को निकालने का जो तरीका है वो आप बहुत अच्छी से सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की फंडामेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो कि सितंबर के अंदर 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से ट्रेंड करूंगा जो CBT के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जिससे हम हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को पूरी तरह से चेंज कर पाएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।